2024 में नया लेबर कार्ड बनाने का नया प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे नया कार्य प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा इस तरह का। और ये कार्य प्रमाण पत्र लगाने के बाद आपका जो लेबर कार्ड है 2 दिन में बन जाएगा। और ये कार्य प्रमाण पत्र आपको कहाँ पे मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, आगे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और लेबर कार्ड के लिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इसका भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने से पहले हम आपको कार्य प्रमाण पत्र के बारे में बता देते हैं कि उसको कैसे फिल करना है। तो दोस्तों, इस तरह का कार्य प्रमाण पत्र आपको लगाना है, और ये कार्य प्रमाण पत्र कहाँ से मिलने वाला है आगे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो भरना कैसे है पहले हम जान लेते हैं। यहाँ पे आप जिसके लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका नाम होगा, उसका पिता या पति का नाम यहाँ डालना है, ठीक है। उसके बाद उसका एड्रेस यहाँ पे होगा, सेम वही चीज यहाँ पे डाल देना, और उसका जो मुखिया, यहाँ पे मुखिया का मोहर और सिग्नेचर करवा लेना है। और यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात है, यहाँ पे कैसे आपको भरना है। कार्य प्रमाण पत्र लगाने का मेन मकसद ये है कि हम कहीं पे काम कर रहे हैं, और इसका जो गवाह है आपका मुखिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई चांसेस नहीं बनता, यहाँ पे आपका जो आवेदन है वो अप्रूव हो जाएगा। 2 से 3 दिन में आपका जो लेबर कार्ड है वो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कम से कम 3 से 4 आदमी का जो डिटेल है वो डालना होगा, जहाँ पे आप काम किए हैं, ठीक है ना। सबसे में एक नंबर में डालना है, जिसके घर पे कहीं पे काम किया उसका नाम डाल देना, और जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आप जो भी काम किया है, राजमिस्त्री, राजमिस्त्री का हेल्पर, बिजली मिस्त्री, प्लम्बर, जो भी है आप वो यहाँ पे लिख देंगे। और एक आदमी के घर में कम से कम 28 से 30 या 32 दिन डालना है। तो यहाँ पे 2, 3 या 4 आदमी का जो नाम डालेंगे तो 400 मिला के टोटल 90 दिन होना चाहिए, समझ गए। तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप जिस दिन काम स्टार्ट किए हैं फर्स्ट डेट यहाँ पे डाल देना है, और लास्ट डेट 28 दिन किए हैं या 30 दिन किए हैं या 32 दिन, इससे ज्यादा नहीं डालिएगा। और लास्ट डेट यहाँ पे आपको डाल देना, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे डाले हैं फर्स्ट डेट लास्ट डेट, तो यहाँ पे इसके घर पे 30 दिन किए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट डेट लास्ट डेट डाले 31 दिन हो गया, या फर्स्ट डेट लास्ट डेट डाले हैं तो यहाँ पे 29 हो गया। तो तीनों मिला के ये 90 दिन पूरा हो गया मेरा, ठीक है। 90 दिन कब का डालना है, आप जिस टाइम लेबर कार्ड के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनसे 1 साल बैक चले जाना है आपको, वहां का डेट उठा के डालना है इसमें, ठीक है ना, करेंट डेट नहीं डालना है। तो यहाँ पे उनसे सिग्नेचर करवा लेना है, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है यहाँ पे मुखिया का साइन और मोहर, ये लगाने के बाद आपका जो आवेदन वो 100% अप्रूवल हो जाएगा। तो चलिए फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये हम आपको बता देते हैं। इस साइट पे आना होगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस साइट पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लेबर रजिस्टर, इस पे क्लिक कर देना है, और सबसे ऊपर में जो ऑप्शन है ये वाला अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपका जो लेबर कार्ड है वो 100% बनेगा, अगर आप वीडियो को छोड़ के देखेंगे तो फिर आपको समस्या आ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार सत्यापन, इस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर है वो डाल देना, और आधार कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम फिल करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आधार नंबर और नाम डाल दिए हैं, उस सही तरह से चेक कर लीजिएगा, अगर नाम गलत होगा तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते हैं, और इस तरह का जो फॉर्म है वो खुलकर आ गया होगा, और यहाँ पे नाम पहले से ले लिया है। और थोड़े नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी जिला है वो यहाँ से ढूंढ लेना है, उसके बाद सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये पेज रिफ्रेश होता है बार बार, तो आपको नीचे से ऊपर आना होगा, फिर वहीं पे आएंगे। अगर आप शहरी हैं तो रहने देंगे, अगर ग्रामीण है तो यहाँ पे चेक मार्क करेंगे, फिर रिफ्रेश हो गया, फिर हम ऊपर आते हैं, और यहाँ पे आपका जो प्रखंड है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से ऊपर आएंगे, और यहाँ पे आपका जो पंचायत है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो अपलोड कर लेना है, उसका साइज 2 MB से कम रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उसका फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये सारे फॉर्मेट पे चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फिल कर देना जो आपका आधार कार्ड पे लिखा हुआ है, और इस बॉक्स में चेक मार्क कर देना, और ये वाला एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आएंगे, और लेडीज का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसका पति का नाम डालिएगा, अगर जेंट्स का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसका पिता का नाम यहाँ डालिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कार्य की प्रकृति आपको सेलेक्ट कर लेना, आप जो भी काम करते हैं, राजमिस्त्री, राजमिस्त्री का हेल्पर, प्लम्बर, पढ़ाई, लोहार, जो भी है, पेंटर, कारपेंटर, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे राजमिस्त्री का हेल्पर सिलेक्ट कर रहे हैं,
आप जो काम करते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपका आधार कार्ड के अनुसार जन्मतिथि सिलेक्ट कर लेना आपको, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड का जो फोटो कॉपी है वो स्कैन करके लगा देना, उसका साइज भी 2 MB से कम रहेगा और उसका फॉर्मेट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जाति जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद दूसरा मोबाइल नंबर है तो कोई डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, इस वाले को भी आप खाली छोड़ सकते हैं। एजुकेशन आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पे वैवाहिक स्थिति आपको सिलेक्ट करना है, शादीशुदा है या फिर कुमारे हैं जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद जो कार्य प्रमाण पत्र के बारे में बताए थे उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड कैसे करना है और यहाँ पे भरना क्या है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसको खाली छोड़ देना, और यहाँ पे जो फर्स्ट में आपको दिखा देते हैं, ये वाला जो व्यक्ति का नाम डाले हैं और जगह का नाम डाले हैं और काम कौन सा किया वो डाले हैं, और डेट जो डाले हैं कितना दिन काम किया है वो जो यहाँ पे देख रहे हैं 1 नंबर पे, वही आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे नियोजक का पता जिसका काम कर रहे हैं उसका घर कहाँ है वो डाल देना है। उसके बाद काम कहाँ पे हो रहा है उसका पता यहाँ पे डाल देना है। आप जो भी काम करते हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कितने दिन कब काम स्टार्ट किए थे उसके घर पे वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, और कब खत्म किए थे वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। वहाँ पे जो भी 30 या 32 या 28 दिन सिलेक्ट किए हैं वही डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वही जो दिन 28, 30, 32 जो भी है वो डेट यहाँ पे डाल देना है आपको, और यहाँ पे जो है आपको वही कार्य प्रमाण पत्र को अपलोड कर लेना है। उसके बाद ऐड वाला बटन पे आपको क्लिक कर देना है, तो एक व्यक्ति ऐड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा वैसे कर लेना है आपको। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट जहाँ पे है जिस भी बैंक पे उसका आईएफएससी कोड डालेंगे, गेट बैंक इन्फो पे क्लिक करेंगे, उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, यहाँ पे भरना नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना, कॉन्फर्म अकाउंट नंबर डाल देना, यहाँ पे पासबुक जो है उसको अपलोड कर लेना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे अगर पहले से कल्याण बोर्ड का सदस्य है तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे नो नो ही करना है आपको, ठीक है ना। राशन कार्ड है तो यस पे चेक मार्क करके राशन कार्ड को अपलोड कर देना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे फैमिली को ऐड करना होगा, आप पति या फिर बच्चे को या पत्नी को या फिर बच्चे को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे उसका नाम डाल दीजिएगा, उसका एड्रेस डाल दीजिएगा, रिलेशन में जो भी है वाइफ सन फादर मदर जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसका उम्र क्या है आधार कार्ड के अनुसार वो डाल देना है, मेल फीमेल जो भी है वो डाल देना है। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना, वो व्यक्ति ऐड हो जाएगा। अब 2, 3, 4, 5 जितने भी व्यक्ति को ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल डालना होगा, आप नॉमिनी में जिसको रखेंगे उसका यहाँ पे नाम डाल देना है, समझ गए। यहाँ पे उसका नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे उसका पता डाल दीजिएगा, और यहाँ पे संबंध क्या है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे उसका उम्र जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे चेक मार्क करके यहाँ पे आपको 100% कर देना है, 100 लिख देना, समझ गए। उसके बाद नीचे आना है, उसके बाद ऐड कर देना है इसको, ठीक है। ऐड का बटन पे आपको क्लिक करना ही होगा, जब तक ऐड का बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये ऐड नहीं होगा, चाहे एक व्यक्ति को कीजिए या फिर दो। उसके बाद अगर आप सीएससी चलाते हैं तो यस करके सीएससी से पेमेंट करना होगा, अगर आपके पास सीएससी नहीं है तो नो पे चेक मार्क रहने देना। उसके बाद सबमिट, यहाँ पे इस तरह का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेव्ड का ऑप्शन है, ओके पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक बार इस तरह से पूरा डिटेल आपको मैच कर लेना, अगर कुछ भी गलत हो जाए तो आप इसको यहाँ पे एडिट वाला बटन है इस पे क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं। अगर सारा कुछ सही है तो यहाँ कॉन्फर्म वाला जो बटन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह का जो रिसीप होगा वो जनरेट होगा, और यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा, और ये वाला जो रिसिप्ट आपको जो मिलेगा ये प्रिंट आउट करके निकाल लेना है, और इसमें इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाए थे इसमें अपलोड किए थे वो सारा अटैच कर लेना है, और श्रम संसाधन विभाग का जो ऑफिस में या फिर आपका अंचल में तो वहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। आप जिस टाइम सबमिट करोगे उसके दूसरे या तीसरे दिन आपका जो लेबर कार्ड है वो बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम पेमेंट करने वाले हैं, यहाँ पे ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे।
वाला कार्य प्रमाण पत्र आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस कार्य प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पे पेमेंट वाला पेज पर आ गया, यहां पे आपको ₹50 पे करना होगा। आपके पास जो भी ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, फोन पे, जो भी चलाते हैं आप उनसे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फोन पे से करने वाले हैं। तो यहाँ पे UPI फोन पे का लोगो है, गूगल पे का भी है, इस पे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे UPI का जितना भी जो ऑप्शन है वो सारा खुल कर आ गया। यहाँ पे हम फोन पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपका जो UPI ID है वो डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो UPI डालेंगे तो वेरीफाई हो जाने के बाद आपका जो मोबाइल पे एक मैसेज चला जाएगा, वहां से आपको पेमेंट कर देना है और ये सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप नए हैं मेरे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।